एटिलैन, उस जगह पर जहाँ पर ब्लैक बोल्ट उन सभी इल्यूमिनाटी से बात कर रहा था और मैक्सिमस उन सभी की बातें सुन रहा था। कई सालों पहले रॉयल फैमिली में एक फ्रैक्चर आया और ये सब बता रहा था ब्लैक बोल्ट। किंग्स और क्वींस आपस में बट गए और उनके ऑनर और डेस्टिनी की शुरुआत यहीं से हुई। किंगडम स्प्लिट हो गई और हम ऐसे कई लोग बिखर के वापस चले गए। दोनों ही दोनों छोरों पर चले गए इस दुनिया के और वहाँ पर तारों से आगे वो जाकर रहने लगे और इसी वजह से उन्होंने अपने बदलाव को अपना लिया कहीं और जाकर। और सालों पहले जब थैनोस अपने मिनियंस के साथ वहाँ पर पहुँचा तब वही के एक इन्यूमन लेडी के साथ उसने संबंध बनाए और जब वो लेडी थैनोस के बीज के साथ वापस आई तब वो यहाँ पर आकर एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी जो कि अभी इस अर्थ पर है, जो कि थैनोस का बेटा है और वो उन्हीं छुपी हुई ट्राइब्स में से कहीं पर है। तब उस डिवाइस को हाथ में लेते हुए रीड रिचर्ड कहता है और इसमें वही इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए जो कि उसके बेटे को ढूंढ सके। तब ब्लैक बोल्ट कहता है इसमें इन्ह्यूमंस के सारे सीक्रेट्स है, ये कोडेक्स तुम्हें उस तक पहुंचा देगा रीड रिचर्ड, लेकिन ध्यान से क्योंकि इसमें मेरे फैमिली की सभी इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान से। तब रीड रिचर्ड उससे प्रॉमिस करता है। आगे टोनी के पूछने पर ब्लैक बोल्ट कहता है कि थैनोस आ रहा है और ये वर्ल्ड विटनेस बनेगा हम दोनों की मीटिंग का और उसे ये पता चलेगा कि इनह्यूमन होना क्या होता है, तो तुम लोग जाओ। और तभी उस कोडेक्स की मदद से रीड 6 लोकेशंस ट्रैक करता है और स्टीफन से कहता है यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कि वो उन्हें वहां से ले चले। यहाँ पर उन लोगों के जाने के बाद मैक्सिमस नीचे आता है जहां पर वो छुपा हुआ था और अपने भाई से कहता है तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा भाई, तुमने बेवकूफाना हरकत की है। तब वो आगे कहता है कि तुमने उन ह्यूमंस के हाथ में अपना कोडेक्स दे दिया जिसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स हो सकते थे। तब उस डिवाइस में से बाहर आने की वजह से ब्लैक बोल्ट कुछ नहीं कहता, लेकिन एक और कोडेक्स उसे देते हुए वो उसकी तरफ देखता है। तब वो कहता है मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया भाई, और वो आगे कहता है लेकिन इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तभी एक मशीन की तरफ इशारा करते हुए ब्लैक बोल्ट उसे समझाता है। तब उसकी तरफ देखते हुए मैक्सिमस कहता है हाँ मैं समझ गया, अब कुछ एक्शन का वक्त है। फेवर एंड डिसफेवर। एटिलैन के ऊपर जहाँ पर अपने स्पेसशिप में थैनोस देख रहा था उस सिटी की तरफ जहाँ पर कर्वस आता है, इस पर वो कहता है कि क्या हुआ कर्वस, कुछ खास खबर लाए हो? तब कर्वस कहता है नहीं मालिक, क्योंकि इन्ह्यूमंस की सिटी शांत है और मुझे लगता है कि वो अपने बिलों में जाकर छुप चुके होंगे। तब थैनोस कहता है तो फिर उन्हें हमारे तरीके से समझाओ, उन्हें बताओ कि थैनोस इन जैसे चूहों के साथ क्या करता है और मेरा शटल तैयार करो क्योंकि और देरी किसी काम की नहीं है। तब वो आगे कहता है वो हो चुका है मास्टर और बाकी सभी भी वापस आ चुके हैं। और वो आगे कहता है कि प्रोक्सिमा के पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन ब्लैक ड्वार्फ हारा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से घायल होकर वापस आया है। तब थैनोस कहता है कि तुम में से एक गायब है, इबोनी माओ कहाँ पर है? तब सुपर जायंट कहती है कि उसने कॉल भी रिसीव नहीं किया और ना ही वो माइंड से कनेक्टेड है, जब से आपने हमें भेजा है तब से वो ऐसा ही कर रहा है। तब कर्वस कहता है कि क्या मैं वहाँ पर जाऊँ? तभी थैनोस कहता है नहीं, क्योंकि वो भले ही रूल्स ना मानता हो और परंपराओं के खिलाफ जाता हो, लेकिन उसका तरीका हमेशा हमें जीत की तरफ ले जाता है। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्वार्फ माफ़ी मांग रहा था अपने किए गए काम की और वजह दे रहा था कि आखिर वो फेल क्यों हुआ। तभी कर्वस कहता है कि भाई तुमने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। और तब वो कहता है प्रोक्सिमा से कि उस बारे में बताओ जो तुमने उस सिटी में सीखा। तब प्रोक्सिमा कहती है कि ह्यूमंस जिसे एटलांटिस कहते हैं वहाँ का प्रिंस पहले ही हार चुका था और अपने घुटनों पर आकर उसने जेम्स का ठिकाना बताया और वो ठिकाना था वाकांडा, जहाँ से ब्लैक ड्वार्फ हार कर आया है और हमारी नाक कटा दी है। तब थैनोस कहता है कि तुम ब्लैक ऑर्डर के साथ वहाँ पर जाओ और उन्हें दिखाओ कि थैनोस का कहर क्या होता है, लेकिन याद रखना कि उन्हें थैनोस का कहर पूरी तरह से समझ में आए और मैं तुम्हें वहीं पर ज्वाइन करूंगा ट्रिब्यूट लेकर। तब ब्लैक ड्वार्फ कहता है शुक्रिया मास्टर, क्योंकि आपने मुझे एक और मौका दिया, लेकिन इससे पहले आगे वो कुछ कह पाता
तभी एक जोरदार पंच पड़ता है ब्लैक ड्वार्फ को और तब थैनोस कहता है, नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें एक दुनिया दी थी तबाह करने के लिए और तुम खाली हाथ वापस आए कुछ ना करते हुए, और मैं टूटी हुई चीजें नहीं रखता, तो तुम यहाँ से चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, और उम्मीद करो कि वो वक्त तारे और सूरज खत्म होने से पहले आ जाए। शिकार। यहाँ पर इल्यूमिनाटीज अपने सीक्रेट हाइड आउट पर बैठे हुए थे और डिस्कशन चल रहे थे कि उन्हें 6 लोकेशंस मिली है तो उन्हें 6 लोकेशंस पर अलग अलग होकर जाना होगा या फिर उन्हें दो दो का ग्रुप करके जाना चाहिए, लेकिन इसी दरमियान उनमें से कुछ अपने प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरों पर गुस्सा निकालने लगे। तभी रीड कहता है कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स यहीं पर सॉल्व आउट करने होंगे। इस वजह से वो बारी बारी से सबको कहने का मौका देता है। सबसे पहले टचाला बताता है कि वाकांडा पर अटैक हुआ था और अभी भी गोल्डन सिटी खड़ी है। तब रीड कहता है, टोनी और मैंने भी अपने बलबूते पर न्यूयॉर्क को बचा रखा है बाकियों से बेहतर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जाने हैं। और स्टीफन, तुम्हारा क्या कहना है? तब स्टीफन यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, आई एम परफेक्टली फाइन। आगे हैंक कहता है कि थैनोस का एक गुलाम हमारे यहाँ पर भी आया था और उसे किसी स्पेसिफिक चाइल्ड की तलाश थी या फिर किसी स्पेसिफिक चीज की, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि उसे क्या चाहिए था। हम में से बहुत सारे डैमेज हो चुके हैं और कुछ तो घायल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अभी भी जिंदा है। और आगे रीड पूछता है कि नेमोर एटलांटिस के क्या हाल है। तब नेमोर कहता है, तबाह हो चुका है पूरी तरह से। तब सभी लोग शॉक होकर उसकी तरफ देख रहे थे। तब नेमोर कहता है कि ये सब छोड़ो, हमें ब्लैक बोल्ट की मदद करनी है, हमें थैनोस के सन को ढूंढना है और हमारे भाई की मदद करनी है। और इतना होने के बाद वो सभी एक एक करके एक एक लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर इनह्यूमंस के बचे हुए हिडन ट्राइब्स वहाँ पर ग्रो हो रहे थे। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने लोकेशन पर पहुंचकर अपने एस्ट्रल फॉर्म को रिलीज करते हैं और वहाँ पर एक ट्राइब जो कि इनह्यूमंस की छुपी हुई सिटी थी वहाँ पर जाते हैं और स्पेल ऑफ डिविनेशन कास्ट करते हैं, जिस वजह से एक स्पेसिफिक बच्चे पर जाकर मार्क लगता है और वो मार्क लगा था थैनोस के बेटे पर। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें दिखता है कि वो अभी तक ह्यूमन है, वो इनह्यूमन में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, टेरिजिन ने उसे अभी तक छुआ नहीं है, इस वजह से वो अपने गुणों से अभी तक दूर है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, ये पूरी जिंदगी ऐसा ही रहे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बॉडी में आते हुए कहते हैं, मैंने ढूंढ लिया उस विलेज में, मैंने थैनोस के बेटे को ढूंढ लिया। तभी उनकी परचाई में से एबोनी माओ बाहर आता है और अपने उलझुल शब्दों से उन्हें कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे खुश किया और तुम्हारी खुशी इसी में थी कि तुम मुझे खुश कर पाओ, है ना डॉक्टर? तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों में हामी भर रहे थे। तब वहां से जाते हुए वो कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ डॉक्टर। नॉर्मली जब ऐसा होता है तब मेरा शार्प ब्लेड किसी के गले के आर पार निकल जाता है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे बहुत खुश किया है इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हें ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, लेकिन इनकर्जन और दुनिया का टकराव मुझे याद रहेगा, इस दुनिया की तबाही। तब इबोनी माओ कहता है कि तुम पागल हो क्योंकि तुम्हारा अंत इतना सीधा नहीं होने वाला, हमारे मास्टर तुम्हारे अंत के लिए तैयार बैठे है। और तभी वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर एक जगह पर सारे इल्यूमिनाटीज इकट्ठे हो चुके थे और हमें दिखता है दो दुनियाओं का टकराव, जहाँ पर हमारी अर्थ दूसरी अर्थ से टकराने वाली थी, जहाँ पर हमें आवाज सुनाई देती है कि कुछ भी अनब्रेकेबल नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए टिक पाए, चाहे वो हिम्मत वाला हो, वो सबसे ताकतवर हो या फिर सबसे बुद्धिमान। यहाँ पर वाकांडा और एटिलियन में भी वही हाल था। एटिलियन में थैनोस का इंतजार कर रहा था ब्लैक बोल्ट और वाकांडा के ऊपर हमला हो चुका था ब्लैक ऑर्डर का, जहाँ पर हमें वही आवाज़ सुनाई देती है कि नेशंस गिरेंगे, नेशंस टूटेंगे और कई बार हमें वो अपना लेना चाहिए जो दुनिया हमें ऑफर करती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।